हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मिलेगा बिल्कुल सटीक जवाब। आज वीडियो आपका जो फीडबैक है उसके अकॉर्डिंग मैं बनाने जा रहा हूँ। अभी तक की जितनी वीडियोस मैंने बनाई हैं राइस को लेके, राइस बिजनेस में अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आज प्राइस वाइज आज फर्स्ट टाइम में अपनी वीडियो में आपको अपना प्राइस भी दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो हमारा गोडाउन है यहाँ पर कितने तरह के ब्रांड्स होते हैं। आप हमेशा जिस ब्रांड्स को लेके हमें बोलते हो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। हाँ, जो राइस आपको चाहिए वो राइस हम दे सकते हैं। राइस का टोटल आइटम हमारे पास है। राइस के अंदर जो बासमती होती है उसके अंदर जो चार पांच तरह की जो बासमती है जो स्टैंडर्ड आमतौर पर पूरी इंडिया में घूमती है, उसमें सबसे ऊपर आज की डेट में जिस राइस का नाम है उसको हम 1121 बासमती, 1121 बासमती उसको बोलते हैं। मोस्टली जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उसी राइस को डाल के अपने ब्रांड्स में उसको शो करते हैं। अगर आप स्पेशल उसी ब्रांड को हमसे बोलेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। बेस्ट क्वालिटी का अगर राइस आपको चाहिए तो उसके लिए हमारा अपना ब्रांड है। उस ब्रांड को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसका राइस भी दिखाने जा रहा हूँ जिसको हम अपना करिश्मा प्रीमियम बोलते हैं। ये देखिए, ये हमारा अपना करिश्मा प्रीमियम राइस है। ये देखिए इसका कितना एकदम से मोती की तरह राइस है ये। ये जब आप इसको बनाओगे तो ये लंबा लंबा एकदम खुशबूदार अरोमा ये चलेगा और इसका ये पिकिंग आपको आएगा। देखिए ये हमारा अपना करिश्मा ब्रांड है। ये बैग्स आपको मिलेगा हमारी ओर से। बहुत से लोग बोलते हैं बैग्स का बैक साइड से उससे हमारे को फोटो भेजिए। सभी तरह का फोटो आप आराम से और बिल्कुल केयरफुली देखिए, फुली डिटेल आपको इसके अंदर मिल जाएगी। अगर आपको 1 का जो प्रीमियम जो बासमती राइस होता है, लॉन्ग ग्रेन जिसको आप बोलते हो, 1121 बोलते हो, जो साउथ इंडिया में तमिलनाडु, केरला, हैदराबाद, महाराष्ट्र, उधर सब जगह जो हाई लेवल के जो भी रेस्टोरेंट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा यही बासमती राइस चलता है, इसी का डिमांड आता है। इसमें अगर आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ हम आपको सस्ते में दे दें तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। देखिए इसी के अंदर क्वालिटी वाइज प्राइस होता है। मैं आपको और भी अदर क्वालिटी की एक एक राइस आज आपको दिखाऊंगा। अगर आपको सस्ता राइस आपको चाहिए तो वो सब सस्ते राइस भी मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन उसके लिए आप बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ। मैं आज आपको एक एक करके सभी राइस की वीडियोस और फोटोज दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कॉस्टली राइस या महंगा राइस ही दिखाऊंगा, आपको सस्ता राइस भी दिखाऊंगा जो आपके बजट में आपके अकॉर्डिंग चलने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ जी। चलिए मैं इधर दूसरी जगह आपको आज दिखाऊंगा। ये हमारा करिश्माई है और ये 20 कैरेट है, यानी कि जो ब्रोकन राइस है, इसके अंदर ब्रोकन का पार्ट होता है। फुल्ली जो लेंथ है, फुल्ली लेंथ में थोड़ा टूटा हुआ होता है, ब्रोकन इसको बोलते हैं। हाँ, ये देखिए इसको ध्यान से देखिए। ये हम आजकल इसको किस रेट में दे रहे हैं इसको हम लोग? हाँ, ये समझ लीजिए आप लगभग 52 के आसपास ही आपको मिल जाएगा। ये करिश्मा 20 कैरेट है। ये जो बासमती का राइस है बिरयानी का, उसी का पार्ट है ये, ध्यान से आप समझिए। और ये स्टीम है और 52 के आसपास इसको हम आपको देंगे। आप एक बात और समझ लेना, जो भी प्राइस मैं बता रहा हूँ वो फिक्स नहीं है, अप डाउन चलता है। ऐसा नहीं है कि आज वीडियो मैंने बनाया तो इसके लिए आप 2 महीने बाद मेरे को ऑर्डर देंगे और फिर आप उसको बोलेंगे कि यही प्राइस आपने बोला था। ऐसा नहीं, प्राइस अप डाउन चलता रहता है। इसके लिए आप मुझसे अपडेट आप लेते रहना, मैं अपडेट इसको आपका देता रहूँगा और मेरे को क्वालिटी आपको दिखाता रहूँगा। ये हमारा करिश्मा 18 है, 18 कैरेट है ये देखिए, और ये करिश्मा 22 कैरेट है, 22 कैरेट और 24 कैरेट। 22 4 कैरेट करिश्मा मैं आपको दिखाऊंगा एक एक राइस है। ये कौन सा? ये 18 कैरेट है, 18 कैरेट। ये भी अगर आपको खीर के लिए, खिचड़ी के लिए या डेली यूज़ के लिए या भंडारे के लिए इस तरह का जो राइस है वो अगर आपको लगता है तो ये उससे बेस्ट राइस हो कोई हो ही नहीं सकता।
मैं आपको बाहर रोशनी में जाके ये दिखाऊंगा ताकि आपको इसकी क्लियरेंस दिखाई दे। ये 50 के आसपास पर केजी आपको मिल सकता है हमारे यहाँ से, 50 के आसपास। देखिए कितना खूबसूरत और मोती सा ये चावल आपको दिखाई दे रहा है। आप ध्यान से देखिए, अगर आप इस राइस के इच्छुक हैं तो मैं समझता हूँ कि ये राइस आपके लिए बहुत ही बेहतरीन राइस साबित होगा। इसके अलावा ये कौन सा है, अब मैं एक और राइस दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये 22 कैरेट है, इसके ऊपर 22 कैरेट, ये 22 कैरेट का है। इसका भी राइस देखिए मोती की तरह आपको दिखाई देगा। वाह वंडरफुल, क्या राइस है, देखिए मोती की तरह ये राइस है। और ये राइस भी हम आपको 56 यानी कि 56 रुपये पर किलो आपको दे सकते हैं। ये भी राइस आपका डेली यूज़ के लिए भी है, और जो होटल लाइन के लोग हैं वो भी इसको मिक्स मिक्स करके अपनी बिरयानी में इसको निकालते हैं, वहाँ पर भी ये सेल होता है। मैं समझता हूँ कि राइस अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, एकदम चमकदार है और मोती की तरह है। और ये बासमती का ही पार्ट होता है, ये बात आप समझ लें, ये बासमती का पार्ट ही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्टीम है ये। ओके, इसके बाद हमारा नंबर आता है, ये है हमारा 24 कैरेट। देखिए 24 कैरेट ये आपको अदर राइस से सस्ता मिल जाएगा, ये समझ लीजिए आप। 24 कैरेट राइस आपको 62 रुपीज़ यानी कि 62 रुपये पर किलो ये चावल हम आपको दे सकते हैं। इसके अंदर ब्रोकन नाम मात्र का मिक्स होता है, बाकी सब इसके अंदर फुल्ली लेंथ वाला राइस ही मोस्टली होता है। ओनली 10% राइस इसके अंदर ब्रोकन होता है, टूटा हुआ, वो भी दोबार, जबकि इसके अंदर फुल्ली 100% 90% इसके अंदर फुल्ली राइस होता है। ये देखिए, इसको भी आप ले सकते हैं, ये भी बहुत ही खूबसूरत राइस है। 24 कैरेट यानी कि 24 कैरेट इस राइस को हम लोग बोलते हैं, 62 रुपये पर केजी आप हमसे ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक मिनट में फोन बंद कर, साला बार बार फोन आ रहा। अब मुझे दिखाओ आप ये 14-01। अब फ्रेंड्स मैं आपको इसके बाद जो राइस दिखाने जा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ दूसरी बासमती, जिसको हम 14-01 बोलते हैं, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। 14-01 वो भी बासमती होता है। आम आदमी को ज़्यादातर ये मालूम नहीं होता कि जो अलग अलग बासमती होती है उनकी क्या क्वालिटी होती है, क्या उनमें टेस्ट में फ़र्क रहता है, लेकिन उनमें लगभग 10 से 5 रुपये 20 रुपये तक का प्राइस का उनके अंदर फ़र्क रहता है। ये आप इसमें समझ लीजिए ध्यान से, ये देखिए ये भी बासमती है लेकिन ये उससे लगभग 10 रुपये पर केजी ये सस्ता है। जो हमारा 1121 जो राइस था ना, उसको ध्यान से देखिएगा और इसको भी देखिएगा, ये राइस में और उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। और ये क्या है कि जब ये बनेगा तो बनते टाइम इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी कम आती है, जबकि वो जो उसकी जो 1121 है 1121 उसकी लेंथ फुल साइज़ की आती है। तो देखिए ये भी राइस 100% फुल्ली है और आज की डेट में लगभग 73 पर केजी इसका प्राइस चल रहा है, 73 इसका रेट आजकल चल रहा है, 73 पर केजी यानी कि 73 रुपये पर किलो ये चावल आप हमसे ले सकते हो। एकदम देखिए ये भी बहुत ही खूबसूरत मोती की तरह है और खुशबूदार है, और महक इसके अंदर भी मुझे बहुत ही अच्छी फील हो रही है। और ये देखिए हमारा ये करिश्मा टुडे नाम से जो जो ये ब्रांड होता है उसके अंदर ये आता है। ओके नेक्स्ट लो, अब आगे दिखाओ आगे मुझे। नहीं ये तो ये आपने क्या दिखाया, ये 14-01। हाँ अब दिखाओ 15-09, इसमें जो व्हाइट सेलर जाता है, इसमें जो व्हाइट सेलर डालते हो ना, 15-09 का डालते हो ना, वो कहाँ है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको ये बात बताता चलता हूँ कि ये देखिए हमारे गोडाउन में कितने टाइप के ब्रांड्स हैं, कितने तरह के इनकी पैकिंग्स है।
आपने पैकिंग के ऊपर नहीं जाना है, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। बिजनेस करने में आपको, इसमें डिसीजन लेने में आपको इतना आसान नहीं होगा, इसलिए मैं आपसे ये बात फिर कह रहा हूँ कि इसके लिए आप सबसे पहले हमारी जो सैम्पलिंग होती है, सैम्पलिंग हमसे कराइए। सैम्पलिंग अगर आप इसकी कराएंगे तो ये आपके लिए सेलेक्ट करना और चुनना आसान होगा। सैम्पलिंग से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आप चावल को पकाकर देख सकते हो और बनाकर देख सकते हो, उससे आपको आसान होगा। घर बैठे बैठे सबसे पहले फर्स्ट आइडिया लीजिए, परफेक्ट आइडिया लीजिए, और जो हम लोग सैम्पलिंग आपको भेजेंगे उसको मार्केट में दिखाइए, और जब वो मार्केट में पास आ जाए, जिसका ऑर्डर आ जाए, फिर उस राइस के लिए स्पेशल हमें ऑर्डर कीजिए। तो मैं समझता हूँ ये बेस्ट तरीका है आपके लिए काम करने का। इसके लिए मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उसमें आपको समझाया है और बताया है, उसी तरीके से आप इसके लिए काम कीजिए। आज की वीडियो बहुत बहुत लंबी बनने जा रही है, तो मैं समझता हूँ इसको टू पार्ट्स में मैं लूँ। तो जिस वीडियो में अभी मैं बोल रहा हूँ ये पार्ट वन है, पार्ट टू इसका दूसरा आएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल साबित हो। 11 की होगी, कहाँ जी वो? अच्छा, इधर से लगे, अब वहीं आ रहा हूँ, वहीं चलो। अच्छा यही है ना? हाँ, ये 1500 जो आपको देते हैं। इसका बैग भी अंदर ही दिखाना मुझे। बैग ये, हाँ बैग ये ही जाएगा ना जो आप कहेंगे। अच्छा, ये 15 दिन में है ना? हाँ हाँ। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये एक और राइस आ गया बासमती का, इसको बोलते हैं हम लोग 1509। देखिए ये भी राइस अपने आप में बहुत खूबसूरत है। आजकल इस बार राइस की जो महंगा जो प्राइस बढ़ा है, इस बार जो महंगाई आई है राइस के ऊपर, उसमें ये सबसे ज़्यादा बढ़ा है। आमतौर पर इसका रेट 5000 रुपये, 5000-5500 रुपये होता था, लेकिन आज की डेट में इसका रेट लगभग 7000 रुपये के आसपास घूम रहा है। तो मैं समझता हूँ कि यही राइस सबसे ज़्यादा इस बार इसी ने छलांग लगाई है, तो इसलिए आप इसको भी ले सकते हैं। ये भी राइस आप टेस्ट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं 1509। ओके फ्रेंड्स, हाँ ये तो हो गया जी। अब दिखाओ छापी, छापी दिखाने बड़े वाली। एक सेकंड, एक और भी अच्छी कोई। एक सेकंड, हाँ फर्स्ट, ये तो है सेकंड सर। ओके ओके, अब इसके बाद हम लोग दिखा रहे हैं आपको एक चीज और चीज दिखा रहे हैं, इस बात को भी आप समझ लीजिए। इसको बोलते हैं हम छापी। ये जो हमारा बासमती राइस होता है, उसी के अंदर से ये निकला हुआ होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कलर रहता है, और ये छापी हम लोग आजकल 66000 रुपये के आसपास में आपको दे रहे हैं। ये राइस भी चलने वाला राइस होता है, इसको भी आप मंगा सकते हो अगर आप चीपेस्ट क्वालिटी के लिए सोच रहे हैं। और जो ऑन रोड जो छोटे मोटे होटल्स होते हैं, उनको ये राइस बहुत अच्छा जमेगा, उनके लिए ये राइस बहुत ही अच्छा है। ये देखने में जो आपको कलर दिख रहा है डिसकलर, जब आप इसको बनाओगे तो एकदम सब वाइट आपको दिखाई देगा। ये है छापी, और इसका प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 6000 रुपये। ये भी स्टीम है, लो ये क्या है? ये फर्स्ट फर्स्ट छापी है। इसी के अंदर ये एक और छापी आ गई है, ये फर्स्ट छापी है, फर्स्ट लेवल की। देखिए इसके अंदर भी डिसकलर जो है वो बहुत कम है, पहली वाली के अंदर बहुत ज़्यादा था। ये भी राइस आप ले सकते हो चीपेस्ट के लिए, लगभग 20-20 रुपये का अंतर आता है जो फर्स्ट राइस है उससे और इससे, जबकि जो खाली हल्का सा कलर इसका अलग रहता है, क्वालिटी इसकी वही है। और आपको फ़ायदा मिल रहा है हमसे 20 रुपये का कम से कम। इसको बोलते हैं हम छापी। ये भी जो 1121 का 1121 का स्टीम राइस है, उसी की में से निकला हुआ राइस है, स्टीम छापी बोलते हैं इसको। चलो जी, अब दिखाओ जी दोबारा कच्चे की। हाँ कच्चे की ये है, दोबारा क्रिसमस में दिखा दो। दी
ये क्रिसमस दोबार दोबार तो 18, 20, 22, 24 अच्छा इसमें जो है ना फर्स्ट टू हो गया, हाँ, फिर एक कुछ 14-01 दिखाई डे में, अच्छा फिर 18 दोबार आ गई, अच्छा फिर ये तिवार आ गई 20, हाँ ये तिवार ही होगी, ठीक है फिर 22 में होगी सुपर तिवार, 24 हो गया सेकंड। चलो अब इसके बाद काम करो, सेल लेके दिखाना है, सेला दिखाओ आप, अब आपको दिखाया जाता है दूसरा डिपार्टमेंट है उसको बोलते हैं हम सेला, सेला हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है। अब सेला की वैरायटी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स ये सेला है वाइट सेला, डबल 1-2-1 का ये वाइट सेला है, ये देखिए वाइट सेला, ये देखने में मिल्की है, ये जो वाइट सेला है ये टूट तो कम है, ये यहाँ पर एक पॉइंट समझने का आपके लिए अगर आप इस बिजनेस में नए हैं तब, जो 1-1-2-1 का जो स्टीम है वो क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है, वो बॉईल करके उसका यूज़ करते हैं मोस्टली साउथ इंडिया में उसका ज़्यादा यूज़ है, जबकि जो हमारे नॉर्थ इंडिया में जो बिरयानी बनती है उसमें इसके का जो सेला है इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये डायरेक्ट बनता है। तो सेला आप ये ले सकते हैं, उसको वाइट सेला बोलते हैं या मिल्की सेला भी बोल सकते हैं, या इसको बहुत सारे क्रीमी सेला भी बोलते हैं। इसके बाद मैं आपको गोल्डन सेला दिखाता हूँ, गोल्डन सेला का इसके बाद नंबर आएगा, गोल्डन सेला प्रेजेंट किया जाए हमारे व्यूवर्स के लिए। गोल्डन सेला लाया जाए, ओके 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 फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास ये गोल्डन सेला है, ये गोल्डन सेला भी आपको आम जो गोल्डन सेला है उससे लगभग आपको 20 रुपये कम मिल जाएगा। 1-1-2-1 का ये गोल्डन सेला है, जो लोग गोल्डन सेले के मांग करते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। ये क्या होता है, हल्का सा थोड़ा डिसकलर रहता है, लेकिन इसका फ़ायदा आपको ये मिलता है कि ये आपको लगभग अदर गोल्डन सेला से 20 रुपये पर किलो कम मिलेगा। तो देखिए इसको भी आप ले सकते हैं, इसको आप मिस मत कीजिएगा, गोल्डन सेला ये बेस्ट क्वालिटी का है। इसका मैं बैग भी दिखाता हूँ आपको, ये इसको आप लीजिए, मेरे को एक फर्स्ट गोल्डन सेला शो कीजिए। अब मैं आपको इसके बाद फर्स्ट गोल्डन सेला दिखाता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए एक में एक बात और बताता चलता हूँ आपको, बहुत से लोग बोलते हैं कि आप कहाँ से हो कैसे हो, जब आप मेरी ये वीडियो देखेंगे तो इसके लिए प्लीज़ इस तरह के सवाल मत कीजिए कि आपका अपना है क्या है, आपका राइस मिल है क्या है। तो एक मुझे सुबह सुबह आज वीडियो कॉल करा था कि सर अपना शॉप का वीडियो डालो, तो ऐसे भी कुछ लोग करते हैं, तो प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, सारी बात ट्रस्ट की है, अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो बिजनेस कर पाएंगे, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। गोल्डन सेला आ गया फर्स्ट क्वालिटी का, देखिए ये गोल्डन सेला है फर्स्ट क्वालिटी का, इसके अंदर आपको वो डिसकलर वाला आइटम नहीं दिखाई देगा, ये बहुत बेस्ट क्वालिटी का है। 1-1-2-1 आजकल ये भी लगभग 80 रुपये पर के जी, 80 रुपीज़ पर के जी ये लग रहा है, और ये मुस्लिम एरिया में जर्दा में काम आता है, या फिर जो नॉर्थ इंडिया में शादियाँ होती हैं उसमें भी इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। बंगाल के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बंगाल में इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, बिहार में है, यूपी में है, और हरियाणा में है, और पंजाब में भी इसकी बहुत डिमांड है। ये गोल्डन सेला आप उस हिसाब से ले सकते हो, राजस्थान में भी इसकी बहुत डिमांड है, और कुछ जगह जो हमारा MP है MP में भी इसकी डिमांड आती है। हालांकि जो साउथ इंडिया है जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, या फिर अपना कर्नाटका, या केरल, तमिलनाडु, इन सब जगह मोस्टली वाइट की ज़्यादा डिमांड आती है। तो ये देखिए गोल्डन सेला, आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये गोल्डन सेला आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा रिसोर्ट, आपको इसके बाद मैं दिखाने जा रहा हूँ रिसोर्ट। रिसोर्ट क्या होता है, गोल्डन सेला का ही समझो थर्ड होता है, वो सस्ते में होता है, चीपेस्ट में होता है, वो रेगुलर यूज़ में होता है, जो लोग उसको भी लेते हैं वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, इसके बाद मैं समझता हूँ कि इसके बाद मैं दूसरी वीडियो दिखाऊंगा आपको।
वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक बात समझने के लिए है, अगर आप नए हो तो समझ लो मेरी वीडियो आपके लिए राइस की यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी आप सीख रहे हैं, घर बैठे बैठे सीख रहे हैं आप। अगर आपने सीखना है तो मेरी वीडियो ज़रूर ज़रूर देखा करो। आप घर बैठे बैठे एक बेहतरीन नॉलेज आप लोगे, फिर आप बिजनेस करो, कुछ भी करो, वो आपके हमेशा काम आएगी, ये बात याद रखना। आ गया है मेरे पास, ओके देखिए ये रिसोर्ट है हमारे पास। ये क्या होता है, जो सेल्ला होता है, सेल्ला का ही एक पार्ट होता है, हल्का सा इसके अंदर डिसकलर रहता है। और जो इस तरह का जो रिसोर्ट है, ये हम आपको लगभग 4,500 रुपये यानी कि 4,500 रुपये के आसपास इसको दे सकते हैं। फिर मैं ये बात अपनी आपको दोहरा रहा हूँ, आपको बताता चलता हूँ कि रेट कोई भी फिक्स नहीं है। जब आप हमें ऑर्डर दोगे उस दिन का रेट होगा, जो भी जिस दिन आप हमें कोई भी ऑर्डर देंगे, ये बात फिक्स है। ओके नेक्स्ट, आगे दो कोई इसका टुकड़ा, रिसोर्ट का टुकड़ा। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो 20 मिनट की हो गई है, ये पार्ट वन में इसको करने जा रहा हूँ। इस बात की जो वीडियो है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में आपको शो करूँगा। तो इस वीडियो के लिए यहीं पर विराम आपको लगाता हूँ। इसमें जो भी आपका फीडबैक है मुझे मेरे उसके अंदर ज़रूर दें। मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए भी बेस्ट होगा और आपके लिए बेस्ट होगा। एक सेकेंड के लिए